आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई एवं मंगल शुभकामनाएं। करवा चौथ की पूजन सामग्री क्या क्या होती है? करवा चौथ व्रत कैसे किया जाता है? करवा चौथ पूजन कैसे करें? करवा चौथ पर चंद्र दर्शन कैसे करें? दीपक कैसे लगाएं? जल कैसे अर्पित करें? व्रत पारण कैसे करें? इस तरह की कई वीडियो आपको YouTube पर मिल जाता है, जिसे देखकर आप व्रत पूजन करते हैं। परंतु हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुछ व्रत एवं त्यौहार ऐसे हैं जिसे हम किसी वीडियो या अन्य किसी व्यक्ति के बताए गए तरीके से नहीं कर सकते हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत, हरतालिका तीज का व्रत, हर षष्ठी व्रत जिसे तीन छठी व्रत भी कहा जाता है। इसी तरह के और भी व्रत हैं जो कि हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा बताए गए तरीके से ना करके, जो हमारे पूर्वजों की व्रत रखने की परंपरा एवं पूजन करने की परंपरा रही है, उसी के अनुसार हमें व्रत पूजन करना चाहिए। जिस तरह आपकी सास ससुर या उनके पूर्वज व्रत पूजन करते, ठीक उसी प्रकार हमें भी व्रत पूजन करते रहना चाहिए। करवा चौथ व्रत में भी अपने परिवार के पूर्वजों की व्रत रखने व पूजन करने की जो भी परंपरा चली आ रही है, उसे बदलना नहीं चाहिए। हमें भी ठीक उसी प्रकार से करवा चौथ व्रत का पूजन करना चाहिए। पारिवारिक परंपरा के अलावा यदि कोई अलग से उपाय करना चाहते हैं, तो पहले आप अपनी पारिवारिक परंपरा जो कि कई पुस्तों से चली आ रही है, उसी अनुसार पूजन व्रत समाप्त करने के बाद ही कोई अन्य उपाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।